अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मैंने नमक खाया है मालिक का, मैं ये कैसे कर सकता हूँ साहब? देख, अगर तू नहीं करेगा तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। सोच ले, फैसला तेरे ऊपर है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब? आप क्यों मुझ गरीब को फंसा रहे हो साहब? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, वो भूखे मर जाएंगे साहब अगर मैं जेल चला गया तो। अगर तूने उसे मार दिया तो मैं तुझे ऐसा खुश कर दूंगा कि तुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां तुझे दुआएं देंगी। साहब मुझसे ये खून नहीं होगा साहब, आप क्यों मुझे फंसा रहे हो साहब? आप क्यों मुझे फंसा रहे हो? मैंने कहा ना कि अगर तूने उसे नहीं मारा तो तू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा और तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी जिंदगी से जाएगा। सोच ले, तेरे पास आज रात का टाइम है। साहब ये मुझसे काम नहीं हो सकता साहब, किसी और से करो ना साहब, मुझसे ये काम नहीं होगा साहब, नहीं होगा साहब। तेरे अलावा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता, और अगर कोई करेगा भी तो पकड़े जाने का डर है। जबरू बता, फोन क्यों किया? सर आपके लिए खबर है। खबर है? कैसी खबर? बख्शिश चाहिए सर। बख्शिश मिल जाएगी जबरू, जल्दी बता खबर क्या है। गार्डन के पास वाले मच्छी मार्केट में 11 से 12 बजे के बीच कोई डील होने वाली है। गार्डन के पास वाले मच्छी मार्केट में 11 से 12 बजे में कोई डील होने वाली है? कैसी डील होने वाली है, जल्दी बता। सर ये तो मुझे नहीं मालूम मगर खबर पक्की है। देख जबरू, मैंने कितनी बार कहा है आधी अधूरी खबर मत दिया कर। साहब कोई आदमी कुछ बोलेगा। क्या बोलेगा? साहब आदमी बोलेगा कि मुझे अक्खी रोहू मछली कटी हुई चाहिए। अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना? अच्छा, अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है, नीली शर्ट पहनी है, बहुत घबराया हुआ है, लगता है कोई गड़बड़ है। ठीक है काजल, देखो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कोई कोडवर्ड बोलता है, कौन क्या बात कर रहा है, ये भी ध्यान से सुनते रहो। यस सर।
वो आपकी तरफ आ रहा है। सिर्फ देखना वो आदमी उस औरत से क्या बात करता है। अरे पर ये झींगा कितने में दिया? माशाल्लाह वाला। मुझे एक किलो झींगा देना। बस सर ये तो झींगा लेता था। ओके ठीक है, मुझे तो इसी ने बताया था कि वो 11 से 12 के बीच में आएगा। अभी तो टाइम बचा है, इंतजार करते हैं। अखी रोहू मछली कटी हुई देना। अरे तेरे लिए चक्का है। मेरे लिए? हाँ। कितने की है? 500 की। 400 भी ले जाऊँ? चल ठीक है ले जा। लो। सो, यहाँ मच्छी वाली के पास एक आदमी आया है, वही कोड वर्ड बता रहा है जो खबरी ने बताया था। ठीक है काजल, छेड़ना नहीं उसे। देखो वो उस औरत से क्या बात करता है, ध्यान रखो। अरे पापा संभाल के। हाँ। बस संभाल के ये ले ले जा। सर उसने मच्छी ले ली है और वो जा रहा है। ठीक है जाने दो उसे, तुम उस औरत को बाजू में लेके जाओ, मैं और सचिन उस आदमी को देखते हैं। ठीक है जी सर। सचिन तुमने साधु को देखा है ना? हाँ ये इधर आ गया, देख लिया मैंने उसे। हाँ सर वो मेरे सामने आ गया, पकड़ू क्या सर? नहीं उसे जाने दो, जाने दो। मार्केट में कुछ नहीं करना, मार्केट में कुछ करेंगे तो हंगामा हो जाएगा, पीछा करो उसका। संपली का सलाम सलाम। ओ भाई साहब अरे सुनो ये। ये घंटे मुझे मार डालेंगे। अरे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हम लोग देख लेंगे, हम लोग सीआरई से। अच्छा भाग गए। सीआरई? मैंने क्या किया साहब, मुझे क्यों पकड़ा है? तूने क्या किया है और क्या करने वाला है ये तो तू ही बताएगा ना। मैं क्या बताऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्या मालूम। मैं कुछ नहीं किया? सच बता, क्या डील हुई थी तेरी उस मच्छी वाली के साथ? मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई है। तो फिर वहाँ से भागा क्यों हमें देखे? मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा चल रहा है, उसने पिछले साल हमारे ऊपर गुंडे लगा दिए थे, वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैंने सोचा शायद आप लोग वही गुंडे हैं। तो तुम्हें क्या हम लोग गुंडे लगते हैं? साहब इतने हट्टे कट्टे लोगों को देख के और आदमी क्या समझेगा, कोई भी यही समझेगा कि आप गुंडे हैं। देखो इस थैली में क्या क्या लेके घूम रहे हो, देखो। मच्छी है साहब। मच्छी है? हाँ साहब मच्छी है। मच्छी में कुछ ये मच्छी है? ये गन कहाँ से आई? गन लेके हाथ पे तुम घूम रहे हो और पूछ हमसे रहे हो? मैंने तो उस औरत से ये मच्छी खरीदी थी और ये गन कहाँ से उसके अंदर आ गई मुझे नहीं पता साहब। तेरी गन तो इम्पोर्टेड लग रही है और इस पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए। DKG 5317YS। इस नंबर से हम इसके मालिक के बारे में पता कर सकते हैं, इसको मारने के लिए लेके जा रहे हैं। चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे कुछ भी करो, मुझे नहीं मालूम कुछ भी कि ये गन कहाँ से आए। तो एक काम करते हैं इसे उस औरत के सामने ले चलते हैं, दोनों आमने सामने रहेंगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा सर। चल चल। आई शपथ, मैं खोटा काय को बोलेगी, मैं सच्ची बोलती है। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी आया मेरे को बोला मेरे को अखा रोहू मच्छी कटी हुई मांगता है, मैंने दे दिया। अब तुम ही बताओ
मैंने क्या बड़ा काम कर दिया? चल बैठ इधर। उस मच्छी में गन कहां से आई? ये वाली का मेरे को क्या मालूम ये गन कहां से आई? मैंने तो सिर्फ मच्छी बेची थी। मच्छी तुम लोग मेरे को बिना बात का फंसाओ मत। मच्छी के अंदर गन थी तुम्हें नहीं मालूम? मैंने रखी। तो क्या मैंने रखी? मेरे को नहीं मालूम किसने रखी। मैंने तो सिर्फ मच्छी दी थी। कमाल है, मच्छी लेने वाले को भी नहीं मालूम और देने वाले को भी नहीं मालूम। देख झूठ मत बोल समझी। अच्छा एक बात बताओ, वो मच्छी इसको बेचने से पहले तुमने किसी और को भी दिखाई थी? दिन में 50 लोग आते हैं मच्छी को हाथ लगाने। कुछ याद आया? हाँ। किसने हाथ लगाया था, किसको बेची थी मच्छी? एक आदमी था उसने मच्छी खरीदी, थोड़ी देर बाद आके बोला ये मच्छी रख ले इधर ही। और तुमने रख ली? मैंने बोला एक बार मच्छी बेच दिया तो मैं वापस नहीं लेगी। फिर वो बोला तेरे को 20,000 रुपया देगा, ये मच्छी एक दूसरे आदमी को बेच देना। और मैंने मच्छी रख लिया इधर ही। तुम्हें ये कैसे मालूम था कि वो मच्छी किस आदमी को बेचनी थी? वो बोला आदमी बोलेगा मेरे को रोहू मच्छी आखा कटी हुई चाहिए, तो इसने बोला मैंने दे दिया इसे। अरे मेरे को क्या मालूम कि मच्छी के अंदर तूने गन छुपा रखी है। ए, लफड़ा तुम लोग करता है, खाली पकड़ मुझे फंसा देता है। साहब साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, वाकई मैं सच्ची बोलता हूँ। कौन था वो आदमी जिसने वो मच्छी खरीद के तुम्हें वापस दी? मैं इसे नहीं जानती साहब। अगर वो आदमी दोबारा तुम्हारे पास आता है देख के पहचान तो लोगी ना उसे। हाँ साहब। हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो। किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता, मैंने तो गोली की आवाज सुनी और भागते हुए अंदर आया और देखा दोनों मरे हुए पड़े। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मारा है सांप को। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं बोला सांप को क्यों मारूंगा? तो फिर किसने मारा सांप को है? कोई नहीं था यहाँ पे, तुमने मारा है सांप को। मैं भी सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ कहाँ कब? ओह ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। या बिजनेसमैन रुपेश कुमार का खून हो गया, किसी ने उसे और उसके नौकर को गोली मार दी है। सचिन अभिजीत को फोन करके बता दो वहां आने के लिए। अब काजल इसे ब्यूरो लेके जाओ, उस आदमी का स्केच बनवाओ और इसे भी साथ में ले जाओ। जब तक इस केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती ब्यूरो में रुको, तब तक हम ये पता करते हैं कि ये गन है किसकी, मालिक कौन है इस गन का। हेलो हेलो। हाँ मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। दया? हाँ बोलो। हाँ हाँ सर दया, कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ। हाँ वो एक गन के बारे में पता करना था। गन? हाँ ये पता करना था कि वो गन लावारिस है क्या, उसका नंबर है क्या? हाँ सर नंबर है, गन का नंबर है DKG5317YS। हाँ सर ये पता करना था किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर होल्ड करो मैं देखता हूँ इधर। ओके सर होल्ड करता हूँ। सर मुझे नहीं लगता कि ये गन किसी ने रजिस्टर करवाई होगी। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। हाँ सर। दया ये गन रजिस्टर्ड नहीं है। क्या गन रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं दया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गन चोरी की है तब तो सर जो लोग भी चोरी की गन खरीदते हैं या बेचते हैं उन्हें पकड़ना होगा, उनसे पूछना होगा। हाँ हमारा एक ऑफिसर है जो नाम बदल के इस गैंग के पीछे लगा हुआ है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। मैं अभी फोन करता हूँ उससे। कहाँ पे है लाश? साहू पर कमरे में। चलिए दिखाई। आई सर। ये रही सर।
गोली मारी हुई है, कथितवास से गोली मारी है। दो दो लाशें सर, एक साथ एक ही जगह पे दोनों आदमियों को मारते सर। ये बात तो है। ये किसने खून किया है कुछ पता है आप लोगों? पता नहीं सर। और तुम दोनों कहाँ पर थे जब इन लोगों को गोली मारी गई? मैं तो यहाँ नीचे हॉल में था सर। यहाँ हॉल में थे, कोई आके यहाँ पे गोली मार गया पर तुमने देखा नहीं किसी? नहीं सर। पर तुम कहाँ? सामने बाहर गेट पे खड़ा था जहाँ साहब की गाड़ी खड़ी रहती है। वहाँ से किसी को भागते हुए नहीं देखा तुमने? जी नहीं सर। तुमने आखिरी बार कब देखा था अपने साहब को, रुपेश कुमार को? साहब गोली चलने से आधा घंटा पहले एक्सरसाइज करके नीचे आए और बोले मेरा फिश मार्केट जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब मैं सीधे ऑफिस जाऊंगा। तो ये भी फिश मार्केट जाने वाले थे? हाँ सर, वो वहाँ उनकी ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग थी। सर अभी ये देखिए सर, गन पाउडर। गन पाउडर, इसका मतलब उन्होंने यहां से गोली चलाई है। इन लोगों ने किसी को बाहर भागते हुए नहीं देखा है और इनका कहना है कि गोली इन लोगों ने नहीं चलाई है, तो फिर गोली चलाने वाला भागा तो भागा कहां से? विवेक सर, इन लोगों के हाथ चेक करो, देखो गन पाउडर है क्या। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अच्छा, खबर पक्की है? एक काम करो, तुम बातों में उलझा के रखो। हाँ, हम लोग पहुंचते हैं। ओके दया, आम्रेवली में कुछ गन की सौदेबाजी होने वाली है, 5-6 लोग आ रहे हैं। हमारा एक अंडरकवर ऑफिसर है जो भेज बदल के वहीं पे खड़ा, उसी का फोन था। अगर वो गन बेचने वाला पकड़ा जाता है तो हमें पता चल सकता है कि मछली के पेट में जो गन थी वो कहाँ से आई है। देख लो, अच्छी तरह देख लो, ये कोई ऐसी वैसी गन नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इनका भाव निकालने जाओगे तो तुम लोगों की हवा निकल जाएगी। एक एक गन की कीमत 2-2, 3-3 लाख रुपए है। देखिए कैसी कीमत है, वैसा काम भी होना चाहिए। काम की बात छोड़ो यार, ये जो गन देख रहे हो ना, इसकी रेंज 2 किलोमीटर दूर तक है। कैसे भी चलाओ गोली सीधे 2 किलोमीटर दूर तक जाती है। ऐसी एक गन हमारे पास भी है। जो जहां पे है वहीं खड़ा रहे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। धोखा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। किसने बुलाया इनको बोलो, बहुत महंगा पड़ेगा फिर। बाद में देखते रहना सस्ता या महंगा, बुलाने वाले ने तो बुला लिया। थैंक यू दिलीप, थैंक यू वेरी मच, आकर तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुमने इस गैंग को पकड़ ही लिया। सर 6 महीने से इस रैकेट को पकड़ने के लिए लगा हुआ था, आज पकड़ में आए। ओ, तुम सीआईडी के आदमी हो? हाँ, अब तुम सब एक तरफ खड़े हो जाओ, चलो बचल। अब इस गन को ध्यान से देखो, आप में से कोई इस गन को पहचानता है? गौर से देखो, सोच लो, बाद में ये मत बोलना कि ठीक तरीके से गन नहीं देखी। इस गन को नहीं पहचानते तो इस फोटो को ध्यान से देखो, ये स्केच, इसे तो पहचानते होगे? हाँ पहचानते हो उसे? हाँ साहब, मैंने देखा इस आदमी। कहाँ रहता है ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन जूना बाजार में कई बार आते जाते देखा है मैंने इसे। जूना बाजार में? देखते हैं, कोई ना कोई तो इसे पहचान ही लेगा जूना बाजार में। अजय इन सबको ले चलो। We'll be right back.
भाई साहब ये स्केच ध्यान से देखा। अब बताइए किस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं घूमते फिरते देखा है क्या? ये बड़ी अजीब बात है, ये आदमी तो अभी अभी इधर से गुजरा है। अभी अभी यहाँ से क्या? हाँ। कहाँ गया ये? शायद चीमू की दुकान पे गया। चीमू की दुकान पे? हाँ, ये चीमू को अक्सर चोरी का माल बेचता ना, चीमू का खास सप्लायर है साहब। ये चीमू चोरी का माल रखता है? हाँ साहब, चीमू चोरी का माल खरीदता और बेचता दोनों ही काम करता है साहब। और तुम? साहब हम तो साफ सुथरा धंधा करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते साहब। मैंने तो सुना है कि तुम भी चोरी की गन खरीदते और बेचते हो। ये गन वन अंदर रखो, फंसवाओगे क्या? हम ये धंधा नहीं करते साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। एक काम कीजिए, आप चीमू से क्यों नहीं पूछ लेते, जाइए शायद वो अभी चीमू की दुकान पर ही होगा। ये चीमू की दुकान है कहाँ पे? इधर है बस, दो चार दुकान छोड़कर। ये साहब एक बात बताइए, ये आपको कैसे पता है कि चीमू चोरी का माल खरीदता और बेचता है? साहब वो भाई साहब, ये आदमी आपकी दुकान पे आया था अभी? हाँ आया था। क्या हुआ? वो भी बता देंगे। आदमी है कहाँ? हाँ आया था, उसका काम हो गया, निकल गया। वो काम खत्म हो गया? गया कहाँ? ए भाई तुम लोग हो कौन? हाँ ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। देखो हम लोग CID से हैं और एक केस के सिलसिले में उससे कुछ पूछताछ कर रही थी। CID? क्या हुआ सर? देखो ठीक से जवाब नहीं दिया ना तो मुसीबत में फंस जाओगे। हमें मालूम है कि यहाँ चोरी का सामान बेचा जाता है। साहब ठीक ठाक तो बोल रहा हूँ। तो फिर ये बताओ कि ये गन तुमने बेची? नहीं नहीं मैंने नहीं बेची साहब। पहचानते हो उस गन को? हाँ साहब, ये तो उसके पास थी, उसी की है। आदमी कहाँ है वो? मालूम नहीं। ये आदमी हमें चाहिए। साहब वो तो चला गया। देखो वो आदमी हमें हर हाल में चाहिए, चाहे तुम इसे जमीन से खोद के निकालो, समझे? वो क्या? वो रात को 9 बजे मुझसे मिलने वाला है। रात को 9 बजे? लेकिन तुमसे क्यों मिलने वाला है? पैसे लेने के लिए। कहाँ पे? हाईवे पे चिंगारी होटल है उसके सामने। तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा ना? हाँ साहब, अगर आप कहें तो उसको फोन करके मैं पहले बुला लूँ। नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब उससे 9 बजे ही मिलेंगे। चलो हमारे साथ, देखते हैं कि मछली के पेट में गन रखी किसने थी। 9 बजे वहीं मिलते हैं उससे। चलो बजे का टाइम दिया था उसने। अब तो सुबह है ना, थोड़ा और इंतजार करते हैं, पैसे का मामला है, आएगा तो जरूर। वो सब लगता है गोली देंगे हम, उसी से पूछ लेते हैं। बोला था ना 10:15 बज गए। क्या हुआ, कहाँ गया वो? पता नहीं साहब,
पैसे के मामले में वो कभी देर नहीं करता था, बराबर टाइम पे आता था। तेरे पास उसका नंबर है ना? हाँ, वो लगा उसे, पूछो कहाँ है वो और बोलो उसे तुम पैसे लेके यहाँ पे खड़े हो। रिंग हो रही लेकिन फोन नहीं उठा। फिर लगा फोन जब ये फोन लगा रहा है घंटी की आवाज आसपास से आ रही है। आवाज इस तरफ से आ रही है। आवाज तो गाड़ी में से आ रही है, फोन की घंटी अंदर ही बज रही सर। लेकिन इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, आवाज आ कहां से रही है? टिकी चेक करो। मोबाइल यहां पे है। गोली मार दी है। ओ, हमारे पहुंचने से पहले काम कर दिया इसका। साहब, मुझे नहीं मालूम किसने खून किया, मैं तो आप लोगों के साथ था। अच्छा, देख, अगर तू ये सोच रहा है कि तू यहां से बिना कुछ बताए निकल जाएगा तो ये तेरी बेवकूफी है, समझा? तू नहीं बताया था ना खूनी को? साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं खुद पागल हो रहा हूं कि ये सोचकर आखिर किसी को पता कैसे चला। किसी ने तो बताया होगा, है ना? किसने बताया होगा? देखो, ये बात तुम्हारे और हमारे अलावा और किसी को नहीं मालूम थी कि वो आदमी वहां पे आने वाला है। साहब, आप लोग जब मेरे दुकान पे आए थे तब से लेकर मैं अब तक आप लोगों के साथ हूँ। अगर मैं किसी को फोन करता और किसी का फोन उठाता तो आपको पता ही चलता ना। मैं फोन पे लास्ट टाइम तभी बात किया था जब आप लोग मेरी दुकान पे आए थे। सर, हम जब इस आदमी की दुकान में गए तो ये फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसने जैसे ही हमें देखा हड़बड़ी में फोन नीचे रख दिया, लेकिन मुझे लगता है सर इसने फोन ठीक से रखा नहीं और हमसे बात कर लिया। किससे बात कर रहे थे तुम फोन पर? एक सप्लायर है जो चोरी का माल लाता है, ये जो आदमी मरा है उसी का बॉस है। अच्छा, तुम्हें देखते ही इसने फोन हड़बड़ी में रख दिया। फोन ठीक से नहीं रखा गया था, इसका मतलब है जब तुम लोग इससे बात कर रहे थे तो फोन चालू था। और उस आदमी ने हमारी सारी बात सुन ली? बिल्कुल विवेक, उस आदमी ने हमारी सारी बातें सुन ली और फिर उसने अपने आदमी को वहां 9 बजे से पहले बुलाया और उसका खून कर दिया। वो आदमी रहता कहां है, उसका एड्रेस दो। साहब, ऐसे लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता, अगर होता है तो भी वो किसी को देते नहीं है। तो फिर मिलेगा कहां पर ये? चारकोप में एक फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, जितनी बार भी मैं उससे मिला हूं वहीं पे मिला हूं। अच्छा, दया, एक काम करो, तुम भी जाके मिल लो उसे वहीं पर। ये जगह उसी की है या किसी और की है? ये तो मालूम नहीं साहब, लेकिन जब भी मैं उसे मिला हूँ यही जगह पे मिला। तो अभी सुनसान जगह है, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई लगती है, इसलिए इसे अड्डा बना लिया है लोगों ने। देखते हैं कहाँ छुप के बैठी है अपनी मछली, तुम यहीं रुकना, समझे? यहाँ तो कोई भी नहीं मिला सर। नहीं, देखो सैटेलाइट क्या बता रहा है, मोबाइल फोन कहाँ पे है।
सर, सैटेलाइट तो ये बता रहा है कि मोबाइल फोन आसपास ही है सर। मोबाइल फोन यहाँ आसपास है और आदमी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, तुम अपने मोबाइल से उसे फोन लगाओ और अगर वो फोन उठाता है तो उसे कहो कि तुम सीआईडी से बच के भाग रहे हो और उसे पूछो कि वो कहाँ है। सर फोन नहीं लग रहा था। बंद है। फोन बंद है? अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई तहखाना हो और वो अंदर छुप के बैठा? जमीन के नीचे भी छुप के बैठा है तो भी ढूंढ के निकालते हैं। देखो आसपास कोई तहखाना दिखता है क्या? चलते हैं, संभाल के, खतरा हो सकता है। सचिन तुम यहीं खड़े रहो, अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो खबर कर देना और इस दुकान वाले पे नजर रखना, भागे नहीं है। तू है, तू नहीं मारा ना जूना मार्केट में अपने उस गन सप्लायर को? हाँ। क्यों मारा है? वो तो तेरा आदमी था ना। उसे अगर मैं नहीं मारता तो तुम लोगों को सब कुछ बता देता और ऐसे में मेरा भाई भी होता तभी मैं उसे मार देता। दो नंबर का धंधा है, इसके कुछ उसूल होते हैं। उसूल की बात तो ऐसे कर रहे जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी है, है? अपने आदमी को मारने से तो बच नहीं सकता, समझा? उस गन का क्या चक्कर है तो फिश के अंदर तूने पहुंचाई थी? मुझे किसी ने कहा था गन पहुंचाने के लिए। किसने? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रुपेश कुमार, उसके सेक्रेटरी ने। रुपेश कुमार के सेक्रेटरी ने? हाँ, और उसने 5 लाख रुपए भी दिए थे गन पहुंचाने के लिए। हमारे आदमी ने पैसे देके मछली वाली को पटा लिया था और वो तैयार हो गई थी मछली में गन रखने के लिए। हमने अपना काम कर दिया साहब, गन का क्या करने वाले थे, क्या होने वाला था मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है, तू जाएगा जेल के अंदर, समझा? चलो मिलते हैं इस रुपेश कुमार के सेक्रेटरी से। वकील साहब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जो भी कागज बनवाना है आज ही बनवा दीजिए। देखिए इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अरे रुपेश कुमार जी का या ना तो कोई घर का है और ना ही कोई रिश्तेदार, अरे सारी जायदाद मुझे ही मिलने वाली है, मैंने 10 सालों से उनकी सेवा की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतनी सेवा की है तो कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए, है ना? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सर कुछ पता चला सर खूनी कौन है? हाँ, और कमाल की बात यह है विक्रम जी कि खूनी हमारे आंखों के सामने खड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर, मैंने रुपेश जी का खून नहीं किया है। गन क्यों मंगवाई फिश मार्केट में? मैंने कोई गन नहीं मंगवाई, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। हाँ सर, मैंने एक गन मंगवाई थी फिश मार्केट में। रुपेश कुमार जी 12 बजे फिश मार्केट में जाने वाले थे किसी से मिलने के लिए। मैंने प्लान बनाया और नौकर को वहां भेजा, मगर उस गन के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था। हाँ सर, नौकर वहां पहुंचा था लेकिन उसने
आप लोगों को देखा और वो वहां से भाग गया, और इधर रुपेश कुमार जी ने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, तो हमने सोचा कि हम उनको बाद में मार देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहे तो उस ड्राइवर को पूछ सकते हैं। सर मैं तो फोन करने के लिए बाहर गया था, यहाँ पे अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मैं फोन करके अंदर आया मैंने गोली की आवाज सुनी सर, और जैसे ही गोली की आवाज सुनी मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ भाग गया सर। तो उस ड्राइवर को बुला के लाओ। सर बताओ, जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने क्या देखा? साहब ये अंदर थे, इनके अलावा और कोई नहीं था अंदर। जब मैं भाग कर आया बाहर से तो इन्हें ही देखा। तुम बाहर थे ना यहाँ पे गाड़ी के पास में? जी साहब, जैसे ही मैंने चीख सुनी मैं भाग कर आया। तुमने चीख सुनी? जी साहब। ओह, और सेक्रेटरी साहब आप? आपने क्या सुना? सर मैंने गोली की आवाज सुनी, जैसे ही मैं अंदर आया गोली चली, मैं सीधा ऊपर की तरफ भागा। एक ने गोली चलने की आवाज सुनी और दूसरे ने चीख। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ अभी पता चल जाएगा। सचिन तुम जरा गेट के पास खड़े रहो, जहाँ पे कार खड़ी है। हम लोग ऊपर जाके चिल्लाते हैं, देखो सुनाई पड़ता है क्या। विवेक हॉल में ही रहना। आजा सचिन, पहुंच गया। रेडी, जरा थोड़ा चिल्लाना। गोली मार दूंगा भी। सर बाहर कोई भी आवाज सुनेगी, इसका मतलब साफ है ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है। आपको मुझे इस तरह से मारने का कोई हक नहीं है, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। अच्छा, क्या कह दूंगा ना मुंह सीधा हो जाएगा फिर से। फिर तो मैं बोलने लायक भी नहीं रहूंगा। जाने दो भैया, मुंह बंद हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। देखो बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे टेढ़े मेढ़े मुंह से ही बोलो। बताओ क्यों मारा अपने मालिक को? इसकी वजह से मेरा इकलौता बेटा भगवान को प्यारा हो गया, वो मेरे बेटे का हत्यारा है। क्या किया था उसने तुम्हारे बेटे को? मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, ब्लड कैंसर था उसे। डॉक्टर ने कहा 5,00,000 रुपया फीस भर दो तो तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। मैंने रुपेश जी से 5,00,000 रुपया मांगे, लेकिन उन्होंने रुपेश ने पैसे देने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी कमाई लुटाने के लिए नहीं है। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने विनती की, लेकिन वो मुझे पैसे देने से इनकार कर दिए। कैसा आदमी था सर, इतना बड़ा बिजनेसमैन और 5,00,000 रुपए नहीं दे सका? दोस्तों के बीच लाखों रुपया शराब में उड़ाता था। मैंने कहा भी कि मैं आपके यहाँ काम कर करके उधार चुका दूंगा, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया, मेरे बेटे के गम में मेरी बीवी भी चल बसी। उसी दिन मैंने तय किया कि एक ना एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा रुपेश कुमार से। मारा कैसे रुपेश कुमार को? मैंने विक्रम साहब और नौकर रघु की बातें सुन ली थी। विक्रम साहब ने रघु को धमकी दी थी। मुझे लगा कि ये लोग मार देंगे तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो बंदूक किसी की, कंधा किसी का और निशाना किसी पे, फिर रुपेश जी का फिश मार्केट जाने का इरादा बदल गया। और अरे विक्रम, वो फिश मार्केट वाली मीटिंग कैंसिल कर दो, फिर कभी देखेंगे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी ऑफिस जाना है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाता हूं।
अरे भाई कहाँ हो, सुबह से शक्ल ही नहीं दिखाई। जाओ मेरे लिए एक जूस लेकर आओ। सारा सारा प्लान ही चौपट हो गया। अरे साहब ने तो फिश मार्केट जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया, जाते भी तो कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों, क्या हुआ? किसी ने स्नेहड़ी को उस गन के बारे में बता दिया। उन्होंने तो उस मछली वाले को भी पकड़ लिया। मैं तो डर के मारे भाग आया। चल तूने अच्छा किया। अब हम थोड़े दिन के लिए चुप हो जाते हैं और जैसे ही मौका मिलेगा हम काम कर देंगे। अभी तू फटाफट जाके साहब के लिए जूस दिया। चल जल्दी चल। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये बंदूक तो बहुत अच्छी की थी तुमने, मगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम पकड़े गए। इसका मुझे कोई गम नहीं साहब, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अपने बदले की आग बुझाने के लिए किसी की जान लेना कोई बहादुरी नहीं है। और फिर रुपेश कुमार को मारने से तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं आएगा। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के सड़ते रहना, फांसी नहीं हुई तो। Oh.